दिल्ली से दरभंगा बिहार जा रही, पीछे आप देख सकते हैं 2570 ये एक्सप्रेस ट्रेन है। क्योंकि जिस तरह से छठ पूजा का त्यौहार सामने है तो पूरे नई दिल्ली स्टेशन पर हजारों की भीड़ बिहार जाने को लगी थी, ऐसा ही आज ये जो आप पीछे ट्रेन देख सकते हैं ये दरभंगा एक्सप्रेस है। इस ट्रेन में जो तीन बोगियां हैं उनमें इटावा के सराय भूपत आते आते आप देख सकते हैं जिस तरह लपटें आपको दिखाई पड़ रही हैं, तीन बोगियों में आग लग जाती है और यात्री इसमें तीनों बोगियों में करीब 250 यात्री बताए जाते हैं जो फंस जाते हैं। क्योंकि किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है मौके पर, क्योंकि ये सराय भूपत स्टेशन था, यहाँ पर लोग तुरंत जो प्रशासन है रेलवे प्रशासन आरपीएफ और सिविल पुलिस मौके पर पहुँचती है और जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो पहुँचती है। हम यहाँ लोगों से ही जानते हैं कि आखिर जो लोग हैं ये कहाँ जा रहे थे, क्या जो इतनी आज ये हादसा हुआ कैसे हुआ, आप कहाँ कहाँ जा रहे थे? बिहार जा रहा हूँ जी छठ पर्व के लिए। अच्छा छठ पर्व के लिए जा रहे थे? छठ पर्व के लिए, लेकिन हमको एक भी सामान नहीं बचा है। एक भी सामान? कितनी भीड़ थी आपकी? बहुत भीड़ है। अच्छा बहुत भीड़ थी। आप भी जा रहे थे? क्या नाम है आपका? अच्छा आप कहाँ जा रहे थे? अच्छा सारे लोग छठ पूजा के लिए जा रहे थे। तो ये आपने जिस तरह से एक तस्वीर देख सकते हैं ये यात्री हैं, ये बिहार में दरभंगा एक्सप्रेस पर बैठकर अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे थे, लेकिन अचानक इटावा रेलवे जंक्शन के करीब सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास ये तीन बोगियों में आग लग जाती है, जिसका अभी अधिकारी उस आग की वजह को तलाश रहे हैं कि आखिर ये जो आग लगी है उसके कारण क्या है। आज आग लगी है, कौन सी गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी, कितने यात्री इसमें आतात हुए? इसका ट्रेन नंबर है 02570 जी। ये गाड़ी नई दिल्ली से दरभंगा के लिए जा रही थी और किसी भी यात्री के हताहत होने की अभी कोई सूचना नहीं है। ये जनरल बोगी में आग लगी थी या स्लीपर क्लास? स्लीपर S1 कोच में। S1 में जी। तो अभी क्या स्थिति है, डिब्बे हटा दिए गए ट्रेन के? डिब्बे S1 S2 और S3 तीनों डिब्बों को काट करके ट्रेन से अलग कर दिया गया है। यात्री कितने हो सकते थे इस डिब्बे में? यात्री 80 लोगों का रिजर्वेशन था जी। जी आग का कारण को समझ में आया अभी तक? अभी तो कोई जानकारी नहीं हो पाया है। बाकी के दो डिब्बे भी चपेट में आए ऐसा दिख रहा है। जब ट्रेन यहाँ खड़ी हो गई है जी, तो S1 कोच से आग जो है S2 में जा रही थी जी, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया और फिर उसके बाद से सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से S1 S2 S3 तीनों काट करके अलग कर दिया। कितनी देर हुई इसमें आग लगे हुए? ये लगभग हो गया एक घंटा। एक घंटे में फायर ब्रिगेड अभी पहुंची है कि नहीं? फायर ब्रिगेड आ गई है, काम कर रही है अपना। काम कर रही है, कोई आतात नहीं है बस अभी तक तो, ऐसी कोई सूचना नहीं है। आदित्य बताइए किस ट्रेन से आप कहाँ जा रहे थे? जी हम दरभंगा जा रहे थे घर। अच्छा क्या हुआ कैसे हुआ? पता नहीं शॉर्ट सर्किट लगा करेगा, धुआं हुआ, धुआं होने के बाद उसके बाद तभी मच गया। जब यहाँ पे ट्रेन धीरे धीरे स्लो हुई तो एक बार आग लग चुका था। लगने के बाद आदमी अपने अपने जान बचा के भागने के चक्कर में, सब जान बचा के भागे हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। जितने हमारे भाई लोग हैं। भीड़ का कारण क्या? छठ पूजा के लिए? छठ पूजा की वजह से हम लोग जा रहे थे, वेटिंग वाला सब चढ़े थे, सब जा रहे थे इसी तरह जब अपना घर जाए, और हालात इतनी बेकार था सर। जब आग लगने के बाद बच्चे सब अपना सामान छोड़ के जूता पाँव ये छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है हम लोग के लिए। इसलिए हम सरकार से अपील करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी जी से कम जो हम लोग के भाइयों के साथ हुआ इस पे आप चर्चा करें, इस पे ध्यान दें। अच्छा कोई हताहत तो नहीं हुआ? आप जी हताहत अभी तक कुछ नहीं सर, इसका कोई पता नहीं, लेकिन प्रशासन उनके ABP गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।